asked the next worksheet is related to the tenses and now the question is rewrite the following into past and future tense. आपको कुछ sentences given हैं, इनको आपको past tense और future tense में convert करना है. The first sentence is the patient does not take medicines. The patient does not take medicines. Okay, तो simple does not की जगह did not use हो जाएगा for the past tense. पास्ट टेंस डज नॉट की जगह डिड नॉट यूज होता है पास्ट टेंस के लिए. रिमेंबर क्लास डज नॉट की जगह डिड नॉट होता है यूज. तो द पेशेंट डिड नॉट टेक मेडिसिन. द पेशेंट डिड नॉट टेक मेडिसिन. डिड नॉट के साथ वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती, तो डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. इसलिए मैंने यहाँ टेक को टुक में कन्वर्ट नहीं किया. टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करते हैं डिड के साथ. The patient does not take medicine. तो the patient did not take medicine. और future tense के लिए the patient will not take medicine. The patient will not take medicine. Now my mother cooks delicious meal. My mother cooks delicious meal. Now past tense में convert करेंगे. My mother cooked delicious meal. My mother cooked delicious meal. या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माई मदर डिड नॉट कुक डिलीशियस मील. माई मदर डिड नॉट कुक डिलीशियस मील या फिर माई मदर कुकड डिलीशियस मील. ओके, नाउ फॉर द फ्यूचर टेंस यू हैव टू राइट माई मदर विल कुक डिलीशियस मील. माई मदर विल कुक डिलीशियस मील. नाउ द थर्ड सेंटेंस द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट. द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट. तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है क्लास, तो आप इसको कंटिन्यूस फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे पास्ट में और फ्यूचर में. द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स फॉर द पास्ट टेंस. फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स एंड सेकेंड लाइन में आप लोग लिखेंगे द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स. आपके प्रीवियस स्ट्रक्चर में गिवन है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या फॉर्मेट है, उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा. हेल्पिंग वर्ब विल भी यूज़ होता है और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी ऐड रहता है. तो द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स. फोर्थ सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड. आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड व्हिच इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करेंगे. पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड. फर्स्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड एंड इन ऑन द सेकेंड लाइन यू विल राइट द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दैट इज आई विल बी गोइंग टू मीट माई फ्रेंड. आई विल बी गोइंग टू मीट माई फ्रेंड. ओके क्लास, आई हैव एक्सप्लेन यू द अबव फोर सेंटेंसेज. नाउ द रेस्ट फोर यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. राइट दैम, राइट ऑल द सेंटेंसेज ऑन योर वर्कशीट्स 1 to 8. मुझे पूरा काम मिलना चाहिए आपकी वर्कशीट में. फ्रॉम 1 to 8 ऑल द सेंटेंसेज यू हैव टू डू. 4 आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ एंड नाउ द रेस्ट यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ. स्ट्रक्चर्स गिवन है, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करें. बस टेंसेज का ध्यान रखिएगा, फॉर्म्स का ध्यान रखिएगा. अगर कंटिन्यूस फॉर्म गिवन है तो कंटिन्यूस में ही चेंज करना है, कंटिन्यूस के ही पास्ट में चेंज करना है, कंटिन्यूस के ही फ्यूचर में चेंज करना है. और अगर सिंपल फॉर्म में गिवन है तो सिंपल के ही पास्ट में और सिंपल के ही फ्यूचर में चेंज करना है.